अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में बताऊंगी, सारे पेंसिल को यूज करके दिखाऊंगी और एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस पेंसिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स है, इसमें 6 पेंसिल्स होती है। इसकी पैकेजिंग मुझे काफी पसंद है, तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 6 ग्रेफाइट पेंसिल्स है जो कि अलग अलग ग्रेड्स की है। यहाँ पर लिखा हुआ है HP, 2B, 4B, 6B, 8B एंड E। तो अब मैं आपको इसे एक एक करके यूज करके दिखाती हूँ। ये HB पेंसिल है, ये 2B, ये 4B, 6B, 8B और ये EE। तो अब मैं इसे आपको यूज करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको सभी पेंसिल से शेड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास HB पेंसिल है, ये पेंसिल काफी लाइट शेड की है, आप देख सकते हैं ये काफी लाइट है। अब मैं 2B पेंसिल यूज कर रही हूँ। वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स बड़े एरियाज को कवर करने के लिए काफी अच्छी पेंसिल्स है। ये देखिए, ये HB पेंसिल से थोड़ा डार्क है। सारे शेड्स मैंने कर दिए एक एक करके, जो कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड EE। तो अब मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, ब्रश, पेपर स्टम्प और कॉटन बर्ड्स। तो मैं यहाँ पर पेपर स्टम्प यूज कर रही हूँ। और बट मैं आपको EE पेंसिल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। EE पेंसिल ये कुछ ऐसा है, वो टूट चुका है थोड़ा। EE पेंसिल जो 50% ग्रेफाइट और प्लस 50% चारकोल है, ये डिटेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पेंसिल्स होती है, मतलब जब आप चारकोल ड्राइंग कर रहे हो तो इसे डिटेलिंग अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो अब मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ।
देख सकते हैं ब्लेंडिंग काफी अच्छी हुई है. तो अब मैं आपको इससे एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर दिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप ऑन वॉचिंग. Sugar.
추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe फाइनली ड्राइंग रेडी है मुझे ये पेंसिल्स काफी पसंद आए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया आप इसे ऑनलाइन इजीली परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग